तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले एक मूवी ट्रेलर के ऊपर, ठीक है। केसारी भाई की एक अपकमिंग मूवी है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा लंबे समय से इंतजार हम कर रहे थे। इसके ट्रेलर के और टीजर के ऊपर भी हमने रिएक्ट किया था, ठीक है। मूवी का नाम है रंग दे बसंती। और जब से हमने टीजर पर रिएक्ट किया था उसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्शन सीन्स थे, ठीक है। उसमें छोटी सी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाई गई थी, तभी से मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए कि इसका ट्रेलर कब आएगा। और आज फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है। हम इसके क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया, इसका नाम है रंग दे बसंती। इसकी अगर हम थोड़ी फीचरिंग के बारे में बात करें कि इसमें किस किस एक्टर ने काम किया है, तो बहुत सारे एक्टर हैं। मेरे हिसाब से 20-30 एक्टर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम 10-15 का नाम ले लेते हैं, ठीक है। केसारी लाल यादव, राती पांडे, डायना खान, अमिताभ भट्टाचार्य, फिरोज खान, मास्टर ऋषभ यादव, राजा प्रेमी, मीर सरावर, अमित तिवारी, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे लगता है 10-20 लोगों के नाम और भी लिखे हुए हैं, लेकिन सबका नाम अगर लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रिमांशु सिंह, और इसे प्रोड्यूसर का नाम हम देख लेते हैं, रोशन सिंह ने इसे प्रोड्यूस किया है। और भी बहुत सारे लोगों का, आपको पता ही है मूवी में कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। हर एक का नाम लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चाहें तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर को देखने के लिए, क्योंकि टीजर ने एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, ठीक है। मुझे अभी भी याद आ रहा है वो एक टेंपल के बाहर वो जो फाइट सीन था जहाँ पर गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा था, उस सीन से मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहो कि और कौन सी मूवीज़ आने वाली है केसारी लाल यादव भाई की, और हम उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे और उनके ऊपर वीडियो लाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस ट्रेलर पर चलते हैं, इसे देखते हैं और आखिर में इसके ऊपर बात करेंगे। ओके कश्मीर में शूट हुआ है मेरे हिसाब से। विलन आतंक काका मसूद मस्तान पीओके में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। मसूद का मिशन है लाल गुलाल। लाल गुलाल किसी से बैर नहीं, पर जो वतन नहीं उसकी खैर नहीं। ए नाइस शॉट यार। शेर जब पिंजरे में बंद हो तो बच्चे मूंगफली फेंक के मारते हैं। शेर नहीं सुअर है तो। यार लुक इसमें बढ़िया लग रही है यार केसारी भाई की, अच्छे लग रहे हैं। मर्द के पहचान उकरा काम से होला, पत्नी से ना। फर्ज सर्वोपरि होला। हिंदुस्तान के हर फौजी बॉर्डर पर दुश्मन के सामना जानता रुकाए कर पावेला, कैसे के उकरा पीछे हर फौजी के पत्नी के ध्यान और हौसला साथ में रहे। कौन है बेतु गुस्ताख? ओके तेरे मौत की परछाई तेरे सल्तनत की तबाही है। हम बर्बाद कर देंगे। हिंद के सिपाही तुम जितना हमें दबाओगे ना उतनी ही मजबूती से ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह एक दिन मुकम्मल मुल्क हमारा होगा और तुम पड़ोगे किसी कोने में। जय हो भारत। क्योंकि हिंदू वो नहीं रहे जो कैलाश खेर की आवाज है क्या? अब हिंदुत्व है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकती। ये इनका दूसरा कोई भाई है क्या? क्यों नहीं करो ले? अरे कितनी सारी लुक्स है यार, देश बदल बदल के। अगर हम मारेंगे तो तुम्हारी मौत का मंजर बेहद खौफनाक होगा। खुदकुशी को तुम्हारा मुल्क मर्दानगी समझता होगा, लेकिन हम मुजदिली मांगते हैं। टाइटल ट्रैक है। ये दो दो केस आ रही है यार, मैंने सही समझा था।
ओके गाइस, ओके गाइस, तो जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर निकल गया। ठीक है, टीजर क्या देखा था वो तो मैं अब मैं भूल ही चुका हूँ, अब मेरे दिमाग में ये ट्रेलर ही चलने वाला है, मतलब एक कंप्लीट ट्रेलर था। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं किसी टीजर और ट्रेलर को देखता हूँ कि ये एक मौका होता है ऑडियंस के दिल में ये चीज़ डालने का, कि ऑडियंस ये सब देख के ही डिसाइड करती है कि मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। मुझे तो एक कंप्लीट ट्रेलर लगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से शूट किया है, पैसा बढ़िया तरीके से खर्च किया है, केसारी भाई की लुक इसमें बढ़िया लग रही है। और एक लुक नहीं, तीन चार लुक मुझे दिखी, एक तो वो दाढ़ी जिसमें थी, एक तो वो कॉलेज में, शायद कॉलेज में कहीं पर लेक्चर दे रहे थे वो ऑरेंज कलर का कुछ पहन के, ठीक है, और भी दो तीन, हाँ वो एंड पर वो लंबे लंबे बाल, ठीक है, उसमें तो दो केसारी हमें दिख रहे थे। तो बहुत सारे कुछ मुझे लगता है स्टोरी लाइन में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि मूवी देखने के बाद ही सबको समझ आएगा। एक्शन बहुत ही बढ़िया था यार, एक्शन बहुत ही बढ़िया था, और पूरा मुझे लगता है 70% या 50% मूवी कश्मीर में शूट हुई है, तो खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि ठीक है, जो कि मुझे लगता है हर एक मूवी में होती है, जो भी आर्मी के ऊपर मूवी होती है वो चीज़ भी इसमें होने वाली है, कि फैमिली के सैक्रिफाइस भी दिखाए जाएंगे इसमें। मुझे तो यार ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा देखने में, बढ़िया था, सब कुछ था, एक्साइटमेंट जिससे अप होती है वो हर एक चीज इसमें मौजूद थी। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसका रीजन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको अच्छा क्यों लगा है, अगर बुरा लगा तो उसका रीजन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मैं सुनना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय।